हाय गाइस, दिस इज राज शर्मा और आज हम बात करेंगे सीक्वल क्रशर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले सीक्वल रिजल्ट सेट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट डिटेल्स, और उसके अंदर हमारे पास रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम और उनके मार्क्स जो कि स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए हैं। हमारे साथ हमने कुछ डेटा को ऑलरेडी फीड किया हुआ है। अगर हम एक क्वेरी स्टूडेंट डिटेल्स पर फायर करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, तो उस केस में हमें इस तरह का एक फॉर्मेट में ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। इसको हम कहते हैं रिजल्ट सेट्स। ये रिजल्ट सेट्स हमारा रो एंड कॉलम फॉर्मेट में होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें पूरे स्टूडेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन है, उसका रोल नंबर है, उसका नाम है और उसके मार्क्स हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि हमें हर स्टूडेंट्स का जो है एक आपका एक मार्कशीट को क्रिएट करना है। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, हमें पहला स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को पिक करना होगा, जैसे कि रोल नंबर 1 अनिल और उसके मार्क्स, उनका टोटल करना होगा। उसके बाद उसकी एवरेज निकालनी होगी और फिर एवरेज के बेस पर हमें उसको ग्रेड को असाइन करना होगा। इस केस में हमारा सीक्वल क्रशर का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सीक्वल सर्वर के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो रिकॉर्ड सेट को वन बाय वन रो को पिक करेगा और उसको प्रोसेस करेगा। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं पहले वो रोल नंबर 1 को पिक करेगा, उसके मार्क्स को लेगा और हम उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर परसेंटेज करेंगे, फिर आपकी ग्रेडिंग करेंगे। उसके बाद जब पहला रिकॉर्ड प्रोसेस हो जाएगा तो आपको सेकेंड रिकॉर्ड पे चला जाएगा, उसके बाद थर्ड पर। तो ये केवल आपका सीक्वल क्रशर से ही पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सीक्वल क्रशर जो है आपका आपके सिस्टम की मेमोरी में आपका रन होता है, यानी कि आपकी काफ़ी सारी मेमोरी को ऑक्यूपाई कर लेता है। इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए जब तक कि जरूरी ना हो, क्योंकि इससे आपका परफॉर्मेंस आपका इशू क्रिएट हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कि कर्सर होता क्या है। कर्सर इज ए टेम्परेरी वर्क एरिया क्रिएटेड इन सिस्टम मेमोरी, यानी कि जब आप कर्सर क्रिएट करते यूज करते हैं तो ये आपके सिस्टम की मेमोरी में क्रिएट होता है, और जो रिजल्ट सेट आप सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू आप लेकर आते हैं वो कर्सर के साथ में मैप हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्टिव डेटा सेट। कर्सर क्या करता है, एक्टिव डेटा सेट में से रो को वन बाय वन पिक करता है, प्रोसेस करता है, और जब तक आपका एंड ऑफ एक्टिव डेटा सेट ना आ जाए वो आपका प्रोसेस उसका चलता रहता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे रेड कलर के आपको एरो हैं, ये पॉइंटर्स हैं, लेकिन यहाँ पॉइंटर्स का मतलब है कि ये पॉइंटर्स आपकी रो को पॉइंट कर रहे हैं। जब आप कर्सर को यूज करेंगे तो आपका पहली रो को पॉइंट करेगा, जब पहली रो प्रोसेस हो जाएगी तो आपका कर्सर सेकंड रो पर आपके मूव कर जाए, उसी तरह से सेकंड के बाद थर्ड पर, थर्ड के बाद फोर्थ पर, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका जो एक्टिव सेट डेटा सेट है तब तक कि आपका लास्ट रिकॉर्ड आपका प्रोसेस ना हो जाए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कर्सर सीक्वल। कर्सर दो तरह के होते हैं, आपका इम्प्लिसिट कर्सर और एक्सप्लिसिट कर्सर। जब आप DML स्टेटमेंट यूज करते हैं, जैसे कि इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है, तो सिस्टम क्या करता है वो ऑटोमेटिकली आपका इम्प्लिसिट कर्सर क्रिएट करता है, ऑटोमेटिकली उसको क्लोज कर देता है। लेकिन एक्सप्लिसिट कर्सर केस में हमें एक कर्सर को क्रिएट करना होगा और उसको आपको क्लोज भी करना होगा और उसको आपको मेमोरी से क्लीन भी करना होगा। एक्सप्लिसिट कर्सर ये कैसे क्रिएट होता है, दिस इज जनरेटेड बाय द यूजर यूजिंग ए सेलेक्ट कमांड, यानी कि इसको यूज करने के लिए आपको एक सेलेक्ट कमांड भी देनी होगी, और एक्सप्लिसिट कर्सर को यूज करने के लिए आपको 5 कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। ये कंपोनेंट का एक सीक्वेंस होता है और आपको इसी सीक्वेंस में आपको एक्सप्लिसिट कर्सर को क्रिएट करना है। इसमें जो पहला कंपोनेंट है यानी कि पहला पार्ट है वो है डिक्लेयर कर्सर। डिक्लेयर कर्सर में आप कर्सर का नाम देंगे और एक क्वेरी देंगे। क्वेरी से क्या होगा, क्वेरी से आपका एक रिजल्ट सेट आएगा, और वो रिजल्ट सेट जब आएगा तो वो आपके कर्सर के साथ मैप हो जाएगा और उसको कहेंगे एक्टिव डेटा सेट।
जब एक्टिव डेटा सेट आपका रेडी हो जाएगा, आपको कर्सर को ओपन करना है। ओपन क्या है, ये आपका एंट्री पॉइंट है, यानी कि आपका कर्सर रेडी है आपके रो को प्रोसेस करने के लिए। उसके बाद आपको फेच करना होगा। फेच का मतलब ये है कि जब आप ओपन करते हैं तो कर्सर का जो पॉइंटर होता है उसकी वैल्यू नल होती है, यानी वो किसी भी रो को पॉइंट नहीं करता है। लेकिन जब आप पहला फेच स्टेटमेंट फायर करेंगे तो वो क्या होगा, टॉप से, यानी कि पहली रो को वो पॉइंट करेगा। उसके बाद आप फेच नेक्स्ट, तो यानी कि नेक्स्ट रो पर चला जाएगा। फिर आप फिर से आप फेच नेक्स्ट करेंगे तो आपका नेक्स्ट रो पर चला जाएगा, और ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक आपका एंड ऑफ एक्टिव डेटा सेट ना हो जाए। उसके बाद दो स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लोज एंड डीएलोकेट। कर्सर को क्लोज करना बहुत जरूरी है, और उसके बाद इसको डीएलोकेट। डीएलोकेट का मतलब है, जैसे कि हम बता चुके हैं, कर्सर आपका मेमोरी में रन होता है, तो उस मेमोरी को क्लीन करने के लिए आपको कर्सर को डीएलोकेट करना होगा, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्सर कैसे क्रिएट होता है, इसको हम एक डायग्राम के साथ समझेंगे। देखिए, इस डायग्राम में पहला स्टेप है डिक्लेयर, और डिक्लेयर के बाद ओपन। डिक्लेयर में क्या होता है, जैसे कि हम बता चुके हैं कि आपका मेमोरी में ये क्रिएट होता है, और ओपन में ये क्या है, दिस इज द एंट्री पॉइंट फॉर द कर्सर। उसके बाद हमने फेच कमांड लगाया, और फेच का क्या होता है, आपका ये पहली रो को, यानी कि पॉइंटर क्या करेगा, पहली रो पर सेट हो जाता है, उस रो को फेच करेगा। उसके बाद हम एक लूप यूज करेंगे। लूप में क्या होगा, हम ये चेक करेंगे क्या एक्टिव डेटा सेट में नेक्स्ट रो है या नहीं है। अगर है तो फिर से आपको फेच करेंगे, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, आपको कर्सर को क्लोज कर देंगे और उसको डी एलोकेट कर देंगे। ये सीक्वेंस आपका हमेशा आपको फॉलो करना है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कर्सर। कर्सर चार तरह के होते हैं, स्टैटिक कर्सर, फास्ट फॉरवर्ड, डायनेमिक और की सेट। स्टैटिक कर्सर के केस में क्या होता है कि वो आपको एक्टिव डेटा सेट को कैश में रख लेता है, और उसी से आपका हर रो को, आपको एक एक रो को पिक करता रहता है और उसको प्रोसेस करता रहता है। और स्टैटिक कर्सर में आपका ये भी आपका एक फीचर है कि आप करंट रो से आप प्रीवियस रो पर भी जा सकते हैं और नेक्स्ट रो पर भी जा सकते हैं। इसी तरह से आपका फास्ट फॉरवर्ड है। फास्ट फॉरवर्ड, अगर आप कोई भी आप कर्सर का टाइप डिफाइन नहीं करते तो ये डिफॉल्ट टाइप होता है। लेकिन इसको फास्ट फॉरवर्ड क्यों कहा जाता है, इसमें आप केवल नेक्स्ट रो पर जा सकते हैं, प्रीवियस नहीं जा सकते, इसलिए इसको फास्ट कहा जाता है। अगला है डायनेमिक। डायनेमिक में क्या होता है कि जब आप कोई एडिशन या डिलीशन करते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन आपका डेटाबेस में भी आ जाता है, यानी कि अगर कोई दूसरा यूजर सेम टेबल को यूज कर रहा है तो जो चेंज आपने किए हैं वो यूजर उन चेंज को देख सकता है। और नेक्स्ट है आपका की सेट। की सेट आपका बिल्कुल डायनेमिक की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर क्या डिफरेंस क्या है कि जब भी आप कोई चेंज करते हैं, कोई डिलीशन या एडिशन करेंगे, तो उसका रिफ्लेक्शन आपका डेटाबेस में नहीं आएगा। चलिए बात करते हैं कि जब आप फेच कमांड अप्लाई करते हैं तो उसके साथ में आप क्या क्या फीचर आप यूज कर सकते हैं। पहला है फर्स्ट। जब अप्लाई करते हैं कि आप फेच फर्स्ट, तो ये क्या करेगा, आपका एक्टिव डेटा सेट से टॉप से पहला रिकॉर्ड आपको लाकर दे देगा, फेच करेगा। जब आप कहते हैं कि फेच लास्ट, यानी कि एक्टिव डेटा सेट का लास्ट रिकॉर्ड ये फेच करेगा। और नेक्स्ट में क्या होगा, अगर आपका करंट रिकॉर्ड आपका 2 है तो ये आपको थर्ड रिकॉर्ड लॉक कर देगा, और अगर करंट रिकॉर्ड आपका जो है 3 है तो आपको फोर्थ लॉक कर देगा। प्रायर का मतलब क्या है कि अगर करंट रिकॉर्ड आपका 4th है तो आपको 3rd लॉक कर देगा, और 3rd है तो आपको 2nd लॉक कर देगा। एब्सोल्यूट एन। एब्सोल्यूट का मतलब है कि अगर आपने कहा फेच एब्सोल्यूट 4, तो ये क्या करेगा, टॉप से आपको 4 रिकॉर्ड ला कर देगा। रिलेटिव एन। रिलेटिव का मतलब है कि जो आपका करंट रिकॉर्ड है उसके रिलेटिव रिकॉर्ड, जैसे कि आपका करंट रिकॉर्ड आपका 4th है और आपने कहा रिलेटिव 3, तो ये वो क्या करेगा, आपका 4th में आपका 3 ऐड करके, यानी कि 4th से लेकर आपका 7 तक रिकॉर्ड आपको लाकर दे देगा। चलिए हम SQL सर्वर पर एक कर्सर का प्रोग्राम बनाते हैं,
जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट डिटेल्स। हमने क्वेरी फायर की है और उस क्वेरी ने हमें एक रिजल्ट सेट शो किया है जिसमें स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन है, यानी कि उनका रोल नंबर है, नाम है और उनके मार्क्स हैं इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। हमें क्या करना है, हर एक स्टूडेंट की एक मार्कशीट को क्रिएट करना है। उस मार्कशीट में क्या है कि उसका रोल नंबर होगा, नाम होगा और उसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे, उनका टोटल होगा, उनका परसेंटेज होगा और उनका ग्रेड होगा। उसके लिए हमने एक प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर हम कर्सर यूज करेंगे। सबसे पहले हमने कुछ वेरिएबल्स को, लोकल वेरिएबल को हमें डिक्लेयर किया हुआ है, क्योंकि लोकल वेरिएबल में हम उन वैल्यू को स्टोर करेंगे जो कि फेच कमांड से, यानी कि कर्सर के एक्टिव डेटा सेट से आएगा। तो यहाँ पर हमने करीब आपका स्टूडेंट का नाम, मार्क्स इन साइंस, मार्क्स इन इंग्लिश, मार्क्स इन मैथ और फिर टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज, ये लोकल वेरिएबल हमने यहाँ पर क्रिएट किए हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया कि डिक्लेयर स्टूडेंट कर्सर, यहाँ पर हमने कर्सर को क्रिएट किया है। स्टूडेंट कर्सर, ये कर्सर का नाम है और डिक्लेयर ये आपका कीवर्ड है। उसके बाद यहाँ पर कर्सर ये भी कीवर्ड है, आपका फोर सेलेक्ट, फोर सेलेक्ट ये आपकी क्वेरी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस सेलेक्ट क्वेरी से हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट डिटेल्स टेबल से सारी इंफॉर्मेशन को फेच कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, आपका एक रिजल्ट सेट लेकर आएगा और वो इस कर्सर के साथ मैप हो जाएगा, उसको कहेंगे हम एक्टिव डेटा सेट। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, कर्सर को ओपन करेंगे। तो ओपन और कर्सर का नाम जो कि आपने यहाँ पर डिक्लेयर के टाइम में आपने दिया था। फिर आपका है नेक्स्ट फेच, यानी कि आप पहला रिकॉर्ड फेच करने जा रहे हैं। अभी भी आपका जो पॉइंटर है कर्सर का, वो आपका नल है, यानी कोई रिकॉर्ड को पॉइंट नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप पहला फर्स्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं फेच, फेच क्या करेगा, आपको पॉइंटर को फर्स्ट रो पर सेट कर देगा और उस रो पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर लेकर आ जाएगा और उस इंफॉर्मेशन को हम क्या कर रहे हैं, लोकल वेरिएबल्स में स्टोर कर रहे हैं। जैसे कि आप सेलेक्ट में देख पा रहे हैं कि रोल नंबर आपका ये वाला रोल नंबर, फिर हमने कहा लोकल वेरिएबल, ये एक आपका इसी ऑर्डर में आएंगे, ये वाला, फिर आपने कहा स्टूडेंट नेम, देन लोकल वेरिएबल। जिस सीक्वेंस में आपने क्वेरी फायर की है उसी सीक्वेंस से आपको वेरिएबल भी देने हैं। तो वो क्या करेगा, आपका रो से जो भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी लोकल वेरिएबल में आपको वो स्टोर करता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हम एक लूप यूज कर रहे हैं जिसमें एक वेरिएबल है, ये हमारा सीक्वल सर्वर का ग्लोबल वेरिएबल है। इसका काम क्या है, ये हमें एक स्टेटस बताता है। अगर इसका स्टेटस -1 है तो यानी कि एक्टिव डेटा सेट में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, और अगर 0 है तो एक्टिव डेटा सेट में आपका रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है। व्हाइल लूप है तो आपका क्या करेगा, वो पहला रिकॉर्ड आपका हम ऑलरेडी फेच कर चुके हैं, इसके बाद पहले रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं, फिर हमने क्या यहाँ पर टोटल लिया है और इस वेरिएबल में हमने यहाँ पर टोटल को, तीनों मार्क्स के टोटल को स्टोर कर दिया, उसको यहाँ पर प्रिंट किया है। फिर हमने परसेंटेज कैलकुलेट किए, परसेंटेज में हमने क्या किया, टोटल मार्क्स को 3 से डिवाइड कर दिया, तो वो हमारी परसेंटेज वेरिएबल में स्टोर हो गई। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने कंडीशंस लगाई हैं, किस लिए, ग्रेडिंग के लिए। हम कह रहे हैं कि परसेंटेज अगर ग्रेटर देन 80 है देन ग्रेड ए, और अगर परसेंटेज आपका ग्रेटर देन 60 है और लेस देन 80 है तो ग्रेड बी और अदरवाइज ग्रेड सी। उसके बाद देखिए फिर से जब आपका प्रोसेस हो जाएगा तो हमने फिर से फेच कमांड को दिया है, यानी कि वो नेक्स्ट रो को फेच करेगा। और ये जो आपका एंड देख रहे हैं ये लूप का है, बिगिन और एंड, तो वहां पर फिर से वो आपका ऊपर जाएगा व्हाइल लूप पर, वहां पर चेक करता है कि आपका ये वाला ग्लोबल वेरिएबल चेक करेगा कि आपका नेक्स्ट रिकॉर्ड है, नेक्स्ट रिकॉर्ड है, तो फिर से आपका वो प्रोसेस चलता रहेगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक एंड ऑफ एक्टिव डेटा सेट ना हो जाए। इतना करने के बाद जब आपका लूप से बाहर आएगा तो आपको इस कर्सर को क्लोज करना है और उसको डीएलोकेट करना है। चलिए मैं इसी को एग्जीक्यूट करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास आपका हर स्टूडेंट का
एक आपका रिजल्ट हमने शो किया है, नेम अनिल है, रोल नंबर 1 है, साइंस में मार्क्स, मैथ के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, उनका टोटल, उनका परसेंटेज और ग्रेड शीट। इसी तरह से आपका नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा सुनील है, फिर आपका अजय है, और आपका विजय है, फिर आपका मनोज है। यानी कि जितने भी आपके रिकॉर्ड्स आपके एक्टिव डेटा सेट में थे वो सारे के सारे आपके प्रोसेस हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट ऑन अस education.lotusmb.com, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।